वही महाराष्ट्र में अब सिर्फ 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वही मुंबई समेत ठाणे, कल्याण, पालघर और भिवंडी सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क में रैली होगी। बीजेपी इस रैली में दो बड़े दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इस रैली में जहां महायुति की तरफ से आखिरी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं इस रैली में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क रैली को लेकर राज ठाकरे को आमंत्रित किया है। दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद यह चर्चा है कि राज ठाकरे पीएम मोदी के साथ मंच पर भी नजर आएंगे। दरअसल गुड़ी पड़वा ने मौके पर राज ठाकरे ने 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। राज ठाकरे ने तब पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी की। इससे पहले नई दिल्ली में राज ठाकरे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। मनसे द्वारा बीजेपी को समर्थन दिए जाने के बाद राज्य में पार्टी के कार्यकर्ता महायुति के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं।